आप और सुजलॉन है आपके पास, और दूसरा कौन सा स्टॉक बताया आपने? जेपी पावर 5 रुपए के भाव से 10,000 शेयरें। अच्छा चलिए, होल्ड कर सकता हूं। अच्छे लेवल्स पर आपने एंट्री की राकेश जी उसके लिए। हाँ हाँ जी 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 जी, चलिए आपको सलाह दे देते हैं। तो काफ़ी शानदार प्राइस लेवल्स पर इन्होंने एंट्री की पहले तो, क्योंकि ये शायद उन्होंने उस समय एंट्री की होगी जब स्टॉक को लेकर ज़्यादा डायरेक्शन क्लियर नहीं मिल पा रहा। हालांकि जेपी पावर देखिए अभी भी कुछ क्लियर डायरेक्शन नहीं दे पा रहा, लेकिन सुजलॉन में काफ़ी कुछ पॉजिटिव खबरें आई हैं हाल फिलहाल में, और दोनों ही पावर स्पेस से स्टॉक्स हैं इनके पास। जेपी पावर 5 रुपये में इन्होंने लिया था 10,000 शेयर्स, और सुजलॉन इन्होंने 9 रुपये में एंट्री ली थी, और यहाँ पर भी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी खासी है, और दोनों ही स्टॉक में बेहतरीन मुनाफा हो रहा है। जी फिर आप ही सलाह दीजिए सुजलॉन और जेपी पावर पर। सी पूजा, अगर सुजलॉन की बात करें तो एक काउंटर में हमें लंबी अवधि में एक बड़ा सा ब्रेकआउट देखने मिला था। इनफैक्ट दिसंबर 2011 से लेके अब तक ये काउंटर 19 रुपए के लेवल को क्रॉस नहीं कर रहा था, और जिस दिन क्रॉस किया हमने इसका हाई करीब करीब 50 रुपए तक देखा। फिर से ये थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, बट अभी भी ये सपोर्ट लेवल से डेफिनेटली ऊपर ही है। सो फॉर टाइम बीइंग इसमें बने रह सकते हैं। अगर इनकी लंबी अवधि का नजरिया होगा तो 28 रुपए का स्टॉप लॉस रख के इस काउंटर में डेफिनेटली बने रह सकते हैं। इस काउंटर में कभी ना कभी ये जो प्रेजेंट नियरेस्ट सपोर्ट की बात करें तो 35 का है। अगर इस पे सस्टेन कर जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बाउंस होके फिर से हमें नए लेवल्स देखने मिल सकते हैं।